वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 6 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। अब हमें मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो मस्कुलर टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी में मूवमेंट करता है। हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो, कैसी भी मूवमेंट हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। आप देखिए जो मस्कुलर टिश्यू है, अब ये टिश्यू है तो इसके अंदर कई सारे सेल्स होंगे। तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, मतलब लंबे लंबे सेल्स होते हैं, और इनको बोला जाता है मसल फाइबर्स। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। आप देखिए मसल्स के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं जिससे मूवमेंट होती है। आप देखिए जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं जिससे मूवमेंट होती है। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। अब देखिए हमारी बॉडी में कुछ ऐसी मसल्स होती है जिनको हम मूव कर सकते हैं बाय कॉन्शियस विल, मतलब जब हम चाहें उन मसल्स को मूव कर सकते हैं और जब हम चाहें उन मसल्स को मूव करने से रोक सकते हैं। जैसे हमारी हाथ पांव की मसल्स होती हैं, जब हम चाहें उन मसल्स को मूव कर सकते हैं और जब हम चाहें उन मसल्स को रोक सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि हमारी बॉडी में कुछ मसल्स ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। ठीक है, तो जो हमारे लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब हाथ पांव, तो जो हमारे हाथ पांव में मसल्स होती हैं उनको हम जब चाहे मूव कर सकते हैं और जब चाहे उनको रोक सकते हैं। मतलब देखिए देखिए क्या है, जैसे हम चल रहे हैं तो जब चाहे हम चल सकते हैं और जब चाहे हम रोक सकते हैं। तो वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि लिम्स में जो मसल्स प्रेजेंट है वो हमारे कंट्रोल में है। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। तो ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती है उन्हें बोला जाता है वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, अब ऐसी कुछ और मसल्स ऐसी भी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उनको हम आगे देखेंगे। These muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in the body movement. तो देखिए जो muscles होती हैं, voluntary muscles जो होती हैं, इनको skeletal muscles भी बोला जाता है क्योंकि ये skeletal से जुड़ी रहती है, मतलब हड्डियों से जुड़ी रहती है, और ये हमारी body में movement में help करती हैं। Under the microscope, these muscles show alternate light and dark bands or striation when stained appropriately. अब देखिए हमें क्या करना है, इन मसल्स को माइक्रोस्कोप में देखना है। तो माइक्रोस्कोप में देखने से पहले हम इन मसल्स को स्टेन करेंगे, मतलब उनको कलर देंगे। अब देखिए नॉर्मली अगर हम क्या करें, मसल्स को बिना स्टेन करें, मतलब बिना कलर दिए उनको माइक्रोस्कोप में देखें, तो हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, मसल्स को पहले स्टेन करते हैं, मतलब उनको कलर देते हैं, उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जिससे हमें वो पूरे अच्छे से क्लियरली दिखता है। अब जब हम माइक्रोस्कोप में मसल्स को देखेंगे तो हमें क्या दिखेंगे, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक है, जिन्हें स्ट्रिएशंस भी बोला जाता है। अब अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड का क्या मतलब है? देखिए एक लाइट लाइन मिलेगी, फिर उसके बाद डार्क लाइन मिलेगी, फिर लाइट लाइन मिलेगी, फिर डार्क लाइन मिलेगी, तो इन्हीं को बोला जाता है स्ट्रिएशंस। तो अगर आप फिगर में देखें तो ये है डार्क लाइन, ये है लाइट लाइन, फिर है डार्क लाइन, फिर है लाइट लाइन, तो इन्हीं को बोला जाता है स्ट्रिएशंस। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स को क्या बोला जाता है, स्ट्रिएशंस। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है ना, ये क्या है, एक्टिन मायोसिन, फिर एक्टिन, फिर मायोसिन। ठीक है, तो ये अल्टरनेट ऐसे चलते रहते हैं, तो इन्हीं एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से इसमें स्ट्रिएशंस होती है। एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स।
इसीलिए इन मसल्स को बोला जाता है स्ट्रिएटेड मसल्स। तो देखिए इसके तीन नाम हुए, पहला आता है वॉलेंट्री मसल, फिर आता है स्केलेटल मसल, फिर आता है स्ट्रिएटेड मसल्स। तो ये तीनों की तीनों एक ही मसल्स हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लेटेड, हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। तो मल्टी न्यूक्लेटेड का क्या मतलब हुआ कि एक मसल फाइबर के अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो उसको बोला जाता है मल्टी न्यूक्लेटेड। तो देखिए अब इन सारी चीजों को हम फिगर की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने बात कर ली थी कि स्ट्रिएशंस क्या होती है, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स को बोला जाता है स्ट्रिएशंस। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो सेल्स होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, तो देखिए लंबे लंबे से सेल्स हैं, ठीक है। फिर ये सिलेंड्रिकल होते हैं, तो सिलेंड्रिकल शेप के हैं ये। इसके अलावा ये अनब्रांच्ड होते हैं, इसमें कोई भी ब्रांच ऐसे करके नहीं निकली रहती, और मल्टी न्यूक्लेटेड होते हैं। तो इसमें आप देखें तो ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, तो इसमें क्या हुआ, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं किसकी, स्केलेटल मसल्स की। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, कुछ मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है, उन्हें बोला जाता है वॉलेंट्री मसल्स। अब ये जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं ये स्केलेटन से जुड़ी रहती है, मतलब हड्डियों से जुड़ी रहती है, तो इसलिए इनको बोला जाता है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अब इन स्केलेटल मसल्स में क्या रहती है, स्ट्रिएशंस रहती है, तो इसलिए इनको और क्या बोला जाता है, स्ट्रिएटेड मसल्स। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है और मल्टी न्यूक्लेटेड होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वॉलेंटरी मूवमेंट्स। तो वॉलेंटरी मूवमेंट्स में कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, वॉलेंटरी मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में होती है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपने हाथ पांव को हिलाना। इसके बाद आता है इनवॉलेंटरी मूवमेंट। अब इनवॉलेंटरी मूवमेंट में कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होगी, इनवॉलेंटरी मसल्स, ठीक है, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री मूवमेंट जो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और एक होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब कौन कौन से ऐसे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में उसको देखते हैं। देखिए ये है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, माउथ से लेके एनस तक जो पूरा पार्ट होता है उसे बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। और एनिमेंट्री कैनाल से क्या होता है, फूड मूव करता है, खाना मूव करता है, ठीक है। जैसे इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सारा पार्ट किसका है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो इस एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड मूव करता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो फूड की मूवमेंट जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो फूड अपनी मर्जी से आगे जाता है। ओके, इसके अलावा अगला जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है वो है ब्लड वेसल्स का। अब देखिए ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लड वेसल है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो ये पतली हो जाएगी, अगर ये रिलैक्स हो गई तो ये चौड़ी हो जाएगी। तो ब्लड वेसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो ये भी एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वॉन्टिंग टू डू सो। तो देखिए जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं इनको ना तो हम स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही रोक सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट्स। तो देखिए जितने भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स को और क्या बोला जाता है, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इनवॉलेंट्री मसल्स कैसी होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आयरिस ऑफ द आई। तो आई का जो आयरिस पार्ट होता है
उसमें भी स्मूथ मसल्स मिलती है। यूरेटर होता है, यूरेटर क्या होता है, देखिए हमारी किडनी है, ठीक है, इस किडनी से ऐसे करके ट्यूब निकलती है और ये क्या है हमारा यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन भरती है। तो किडनी से जो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर तक आती है वो इस ट्यूब की मदद से आती है और इस ट्यूब को बोला जाता है यूरेटर, ठीक है। तो इस यूरेटर में भी क्या होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं। एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, और लंग्स का जो ब्रोंकाई होता है उसमें भी क्या मिलते हैं, स्मूथ मसल्स, मतलब इनवॉलेंट्री मसल्स। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, स्पिंडल शेप्ड। आप देखिए स्मूथ मसल्स के जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं विथ पॉइंटेड एंड्स होते हैं। देखिए जैसे ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, स्मूथ मसल का ये सेल है। अब ये कैसा है, लॉन्ग है और इसके जो एंड है वो कैसे हैं, पॉइंटेड, और ऐसी शेप को बोला जाता है स्पिंडल शेप, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स के जो मसल सेल्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं। एंड यूनि न्यूक्लिएटेड, हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियस, और इनमें क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, वॉलेंट्री मसल्स। तो जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनमें क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, पर जो ये इनवॉलेंट्री मसल है इसमें क्या होते हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड। यूनि न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है कि इसमें हर सेल में एक ही न्यूक्लियस मिलेगा। तो देखिए जैसे एक ये सेल है, इसमें आप देखेंगे सिर्फ यहीं पे न्यूक्लियस मिल रहा है, मतलब हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मिल रहा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है यूनि न्यूक्लिएटेड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल्स। अब ये जो स्मूथ मसल्स होती है इनको अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी बोला जाता है। अनस्ट्रिएटेड मसल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनमें स्ट्रिएशंस नहीं दिखती है। स्ट्रिएशंस का मतलब है कि इनमें लाइट एंड डार्क बैंड नहीं दिखते हैं। देखिए ये याद रखना कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनमें लाइट एंड डार्क बैंड होते तो हैं पर दिखते नहीं है, इसीलिए इनको बोला जाता है अनस्ट्रिएटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स। तो देखिए अभी तक हमने दो मसल्स के बारे में पढ़ा, पहली कौन सी थी, वॉलेंटरी मसल, ठीक है। वॉलेंटरी मसल को और क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हड्डी से जुड़ी रहती है। फिर इसको और क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स, क्योंकि इसमें क्या रहती है, स्ट्रिएशंस रहती है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इनवॉलेंटरी मसल, ठीक है। इनवॉलेंटरी मसल को और क्या बोला जाता है, स्मूथ मसल, ठीक है। और अच्छा ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं, जो इनवॉलेंटरी मसल्स होती है ना, ये हड्डियों से नहीं जुड़ी हुई रहती है, ये याद रखना। अब स्मूथ मसल्स को और क्या बोलते हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल्स, क्योंकि इसमें लाइट और डार्क बैंड नहीं दिखते हैं, मतलब स्ट्रिएशंस नहीं दिखती हैं। तो ये अभी तक हमने दो टाइप की मसल्स पढ़ी। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। अब देखिए हमारा हार्ट है, हमारा दिल है, अब जो हमारा हार्ट है उसमें भी मसल्स होंगी, और हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं जब तक हम जिंदा रहते हैं। तो हमारा हार्ट तब तक काम करता रहता है जब तक कि हम जिंदा रहते हैं। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। तो देखिए हार्ट अपनी मर्जी से हार्ट बीट करता है ना, मतलब हार्ट जो है वो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हार्ट में जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, क्योंकि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हार्ट में जो मसल्स मिलती है उनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और स्पेसिफिकली इन मसल्स को, मतलब हार्ट की मसल्स को बोला जाता है कार्डियक मसल्स, ठीक है। याद रखना हार्ट की जो मसल्स होती है उन्हें क्या बोला जाता है, कार्डियक मसल्स। देखिए हार्ट की मसल्स की जो सेल्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है एंड यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है। तो देखिए ये है हार्ट की मसल का एक सेल, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक क्या है, हार्ट की मसल का एक सेल है। तो ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है। तो यहां पे देखिए ब्रांच निकल रही है, इसलिए ये ब्रांच्ड है, और ये यूनि न्यूक्लिएटेड है,
तो ये एक सेल है, इसमें कितने न्यूक्लियस हैं? ये एक न्यूक्लियस है, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, जो हार्ट की मसल्स होती है वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और इन मसल्स को बोला जाता है कार्डियक मसल्स। ठीक है, साथ ही इन मसल्स के जो सेल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। अब हमें पढ़ना है नर्व टिश्यू के बारे में। तो नर्व टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में जो हमें सेंसेशन महसूस कराते हैं, या कोई भी सेंस को महसूस कराते हैं। जैसे हमें गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, हवा चल रही है तो हमें पता चल रहा है, या हमें दर्द हो रहा है, तो ये सब कौन महसूस कराता है? ये हमें महसूस कराता है नर्व टिश्यू। ऑल सेल्स पोसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। आप देखिए हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के लिए। अब स्टिमुली कैसे हो सकते हैं? गर्मी हो सकती है, ठंड हो सकती है, दर्द हो सकता है, या और भी कुछ स्टिमुली हो सकते हैं। तो उन सब स्टिमुली के लिए हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्व टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। अब चलिए इसको समझते हैं। ये एक बॉडी है, ठीक है, ये इसका हाथ है, ठीक है। अब यहां पे क्या है ना, एक हॉट ऑब्जेक्ट है, गर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है। अब इस इंसान ने क्या किया, इस हॉट ऑब्जेक्ट पे अपना हाथ लगा दिया, तो इसे क्या होगा, गर्मी महसूस होगी। तो जो गर्मी है वो क्या है, स्टिमुलस है, इस केस में स्टिमुलस है। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, गर्मी हो सकती है, दर्द हो सकता है, या ठंड हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। तो इस केस में स्टिमुलस क्या है, गर्मी, हॉटनेस, ठीक है। तो अब इसके हाथ ने जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को छुआ तो इसको गर्मी महसूस हुई। अब इस इंसान को गर्मी कैसे महसूस हुई, देखिए इसके हाथ में क्या है, नर्व सेल, ठीक है। यह नर्व सेल क्या करेगा, इस स्टिमुलस को, मतलब इस गर्मी को डिटेक्ट करेगा। फिर डिटेक्ट करने के बाद यह नर्व सेल क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, और स्टिमुलेट करने के बाद इस स्टिमुलस को, मतलब इस गर्मी के जो सिग्नल है, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा कहां, ब्रेन तक, और तब हमें महसूस होगा कि यह ऑब्जेक्ट क्या है, गर्म है। यह बहुत जल्दी होता है ना, इसमें टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी होता है। तो हमने इस लाइन में क्या पढ़ा, हमने इस लाइन में पढ़ा कि नर्व टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, और स्टिमुलेट होने के बाद जो स्टिमुलस होता है उसको ट्रांसमिट करते हैं हमारी बॉडी के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो यही मैंने आपको यहां पे बताया, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्व टिश्यू। आप देखिए हमारी बॉडी में ब्रेन मिलता है, स्पाइनल कॉर्ड मिलती है, और नर्व्स मिलते हैं। ये सारे के सारे किस चीज से बने हैं, नर्व टिश्यू से बने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे किससे बने, नर्व टिश्यू से। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन। तो नर्व टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी विद ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। तो देखिए ये है डायग्राम किसका, न्यूरॉन का या नर्व सेल का। तो इसमें आप देखेंगे यहां पे क्या है, ये सेल बॉडी, तो ये पूरी की पूरी है सेल बॉडी, ठीक है। अब इस सेल बॉडी के अंदर क्या मिल रहा है, न्यूक्लियस। इसके अलावा ये जो सेल बॉडी है इससे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, हेयर लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जिन्हें बोला जाता है डेंड्राइट्स। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज ए सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सॉन एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो देखिए जो न्यूरॉन होता है उसमें एक सिंगल लॉन्ग पार्ट मिलता है जिसे बोला जाता है एक्सॉन। तो न्यूरॉन में ये देख रहे हैं ना आप, ये सिंगल लॉन्ग पार्ट है, लंबा सा पार्ट है जिसे बोला जाता है एक्सॉन। इसके अलावा कई सारे ब्रांच पार्ट्स मिलते हैं जिन्हें बोला जाता है डेंड्राइट्स। तो देखिए डेंड्राइट्स कई सारे हैं और ब्रांच भी हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन में एक सिंगल लॉन्ग पार्ट मिलता है जिसे बोलते हैं एक्सॉन, और ब्रांच पार्ट मिलता है जिसे बोलते हैं डेंड्राइट। देखिए एक नर्व सेल 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टूगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप ए नर्व। तो देखिए एक नर्व है उसमें
कई सारे नर्व फाइबर्स जुड़ते हैं, और ये कई सारे नर्व फाइबर्स किसकी मदद से जुड़ते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू की मदद से। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि नर्व फाइबर्स क्या होते हैं। देखिए एक्सॉन को ही नर्व फाइबर्स बोला जाता है, तो कई सारे एक्सॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, नर्व बनाते हैं। अभी जो कई सारे एक्सॉन है किसकी मदद से मिलते हैं, किसकी मदद से जुड़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की मदद से, और इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है एंडोन्यूरियम। द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड ए नर्व इंपल्स या स्टिमुलस। ठीक है, तो देखिए ये जो एक्सॉन है या नर्व फाइबर है, इससे जो सिग्नल्स आगे जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है नर्व इंपल्स। देखिए नर्व इंपल्स की मदद से ही हम जब चाहें अपनी मसल्स को मूव कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए ये है ब्रेन, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे चलना है। अब जब मुझे चलना है तो चलने के लिए मेरे पांव की जो मसल्स हैं उसमें मूवमेंट होना जरूरी है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है कि नर्व इंपल्स की मदद से ही मसल में मूवमेंट होती है, मतलब हम चल पाते हैं, ठीक है। तो इसी को समझना है हमें। तो देखिए मेरे ब्रेन में पहले क्या हुआ, थिंकिंग हुई कि मुझे चलना है, उससे एक सिग्नल प्रोड्यूस हुआ जिसको बोला जाता है नर्व इंपल्स, ठीक है। ये करंट की फॉर्म में होता है, मतलब करंट होता है ये। अब क्या है, ये जो नर्व इंपल्स है, जो सिग्नल है, ये मेरे पांव तक पहुंचेगा, ठीक है, मतलब मेरे फुट तक पहुंचेगा, और फुट की जो मसल्स है वहां तक पहुंचेगा। अब ब्रेन से फुट तक इस नर्व इंपल्स को पहुंचाने का काम किसने किया, नर्व सेल ने, ठीक है। तो नर्व सेल क्या करेगा, इस नर्व इंपल्स को ब्रेन से मेरे पांव की मसल्स तक पहुंचाएगा, जिससे मेरी मसल्स में मूवमेंट होगा और मैं चल पाऊंगा। देखिए कई सारे एनिमल्स में नर्व्स एंड मसल्स का फंक्शनल कॉम्बिनेशन मिलता है, मतलब नर्व्स और मसल्स की मदद से ही हम मूव कर पाते हैं, मतलब चल पाते हैं या अपने हाथ पांव को हिला पाते हैं। तो देखिए इसी कॉम्बिनेशन की वजह से, कॉम्बिनेशन कौन सा है, नर्व और मसल्स का जो कॉम्बिनेशन है, इसी की वजह से जो एनिमल्स हैं वो रैपिडली मूव कर पाते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। बाय बाय।